नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप आज दिल्ली की आजाद मनपुर मंडी यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी से इस समय पर मुझसे और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान राजेंद्र शर्मा जी से मुखातिब होंगे। राजेंद्र शर्मा जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप प्याज के एशिया के जाने माने कारोबारी हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद जी आपका। राजेंद्र जी, सबसे पहले इस समय पर प्याज मार्केट क्या लगता है, जब से निर्यात की जो खबरें आई पिछले 15 दिन से, उसके बाद कुछ हलचल देखने को मिली है प्याज में? हाँ, एक्सपोर्ट की खबर जो आई है उसके कारण बाज़ार करीबन 5 से 7 रुपये किलो तेज चल रहा है जी। पीछे 10 रुपये हो गया था, 2-3 रुपये वापस आ गया है, पर 5 से 7 रुपए किलो अभी तेजी चल रही है। अभी सरकार ने जो किया है वो 54,760 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट अलाउ किया है, जिसमें 50,000 बांग्लादेश को जाएगा, 1200 मीट्रिक टन के आसपास मॉरिशियस को जाएगा और तकरीबन इसी तरीके से 560 टन का जो है वो भूटान में और बहरीन को तकरीबन 3,000 मीट्रिक टन के आसपास का प्याज जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो पहले बैन से पहले इतना ही एक्सपोर्ट हो रहा था या इससे ज़्यादा का एक्सपोर्ट? ये एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है और ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है जी। इससे कोई इन्होंने अपने पॉलिटिकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके हिसाब से ये अलॉट किया है जी। अगर एक्सपोर्ट होगा तो इतना, इससे ज़्यादा तो हर महीने होता है जी। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे ये समझे कि किसानों को कोई फ़ायदा होगा। ये तो ऐसा ही है, जिस देश में आप समझो कि करीबन 3,000 गाड़ी रोज़ प्याज की बिकती है, 3,000 गाड़ी का मतलब हो गया 60,000, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये पूरे देश की आप बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे देश। अच्छा, दिल्ली की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, आजादपुर मंडी की बात करूँ और इसके साथ जो दूसरी जो मंडियाँ हैं, गाजीपुर की मंडी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दिल्ली की 5-6 मंडियाँ, ओखला मंडी, तो इन मंडियों के अंदर में टोटल अराइवल प्रतिदिन कितनी एक हो जाती है? अमूमन करीबन 100 गाड़ी से ज़्यादा हो जाती है और करीबन 25-30 टन की एक गाड़ी है जी। तो 3,000 टन मान लो आप रोज़ बिकता है यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। और अभी की स्थिति क्या है, अभी प्याज कहाँ से आ रहा है, कौन सी मंडी से इस समय पर अपन प्याज आता हुआ देख रहे हैं, कौन से राज्य से? देखिए, प्याज इस वक्त सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से आ रहा है, उसके बाद गुजरात से आ रहा है, फिर राजस्थान से, MP से इक्का दुक्का शुरू होगा क्योंकि MP जो है उसमें इस बार बरसातें ज़्यादा हुई हैं, कुछ फसल कम है, तो मार्च में करीबन उम्मीद कर रहे हैं कि उसका प्याज अब शुरू हो जाएगा। मार्च आज आ गया है, 10-15 मार्च से लगातार आना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो इस साल प्रोडक्शन भी कम माना जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक इनपुट था कि प्याज का प्रोडक्शन कम है, इलेक्शन आ रहे हैं तो कहीं प्याज रॉकेट ना हो जाए, और प्याज अगर रॉकेट हो गया तो मेंबर पार्लियामेंटेरियन के जो चुनाव हैं उसमें ये मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इस वजह से जो दिसंबर के अंदर आपने देखा निर्यात को बैन कर दिया आंशिक तौर के ऊपर, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठा कि भाई जो NCP के नेता हैं उन्होंने पार्लियामेंट में प्याज को प्रमुखता से उठाया कि प्याज आपने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, इसको खोला जाए। वहीं अगर महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों जो चुनावी रैलियां देखने को मिल रही हैं तो वहां भी प्याज मुख्य तौर के ऊपर पे एक मुद्दा बना हुआ है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि प्याज का बैन जो सरकार ने किया है इसमें सबसे बड़ा हाथ महाराष्ट्र के व्यापारियों का है। उन लोगों ने दिसंबर में व्हाट्सएप डालने शुरू कर दिए ग्रुप्स में, 500,000 का ग्रुप है और उसमें जो सबसे तेज़ प्याज बिकता था उसकी नीलामी डाल देते थे और नीचे रॉकेट उड़ा देते थे कि 100 रुपये बिकेगा। अच्छा, मैंने तभी ग्रुपों में डाला था कि आप गलत कर रहे हो, आप प्रवोक कर रहे हो सरकार को कोई फैसला हमारे खिलाफ लेने के लिए, और वही हुआ। देखो, चुनाव का साल है जी। हर आदमी चुनाव की स्ट्रेटजी बनाता है जी। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी होता उसे फैसला लेना ही था। अगर आज एक्सपोर्ट खोल दें तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहता 10 रुपये किलो का बाज़ार बढ़ जाएगा जी। एक हफ्ते में, एक दिन में ही बढ़ सकता है, व्यापारी इतना तैयार बैठा है जी। अगर पब्लिक की तरफ से और राष्ट्र की तरफ से सोचे तो ये बैन बहुत बढ़िया है,
और क्योंकि मैं व्यापार में हूँ तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है जी। जो व्यापारी है, किसान है, एक बात और बता दूँ, कोई किसान अगर ये कहे कि मुझे घाटा हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि घाटा नहीं हो रहा। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि जी मुझे घाटा हो रहा है, अभी पीछे कई खबरें देखी उन्होंने, सड़कों पे भी फेंका महाराष्ट्र में ही, और एक रुपये किलो की जब प्याज की खबरें आने लगी तो सरकार ने ये आंशिक प्याज का एक्सपोर्ट खोल दिया। देखिए, सरकार के पास अगर ऐसी खबरें हैं तो मैं सिर्फ इसमें कोई ऐसी बात कहूँ तो अच्छी नहीं है। सड़ा हुआ प्याज अगर किसी का फेंकने लायक, खाने लायक ना, और एक रुपये किलो बिका तो मुझे नहीं पता। किसी का भी प्याज कहीं पर भी बुरे से बुरा खेतों में 10 रुपये किलो से कम नहीं बिक रहा। यहाँ मेरी दुकान पे जितना प्याज पड़ा है, ये प्याज 17 रुपये से लेके, 17 भी गलत कह रहा हूँ, 18 से लेके और 24 रुपये तक का है। 3-4 रुपये का 5 का खर्चा आता है, तो आप समझ लो खेतों में क्या है। तो ये बातें झूठ है। सबसे कम रेट पर राजस्थान का प्याज बिक रहा है, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है, 12.5-13 रुपये, 3 रुपये का खर्चा, 8-9 रुपये, 10 रुपये बिक रहा है वहाँ। लेकिन वहाँ का भी जिनका अच्छा है वो 15-16 बिक रहा है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसका तो दाम आप नहीं गिनेंगे, वो तो फिर अलग चीज़ हो गई, भाई उसे कुछ देना है तो वो अलग बात है। जिसका प्याज ठीक है वो खेत में 10 रुपये से 15 रुपये बिक रहा है, और इससे ज़्यादा लागत नहीं आती। मैं नहीं कहता मुनाफा है, मुनाफा उसे है जो 15 बेच रहा है, 17 बेच रहा है, चाहे 2 रुपये मिल रहे हो चाहे 4 रुपये किलो मिल रहा हो। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी आदमी चुनाव में जाएगा और इन हालात में व्यापारी बैठा है तैयार और किसान, तो हम उस बात को सोचते नहीं हैं। हम एकदम इसका बाज़ार बढ़ा देंगे और जो सरकार बैठी है उसको दिक्कत आएगी, उसके खिलाफ माहौल बनेगा। और महाराष्ट्र की मंडियों से जो प्याज यहाँ अराइवल कर रहा है उसमें कितनी एक जान आपको दिखाई देती है, उसका प्राइस क्या देखते हैं? देखिए, प्राइस तो और नहीं बढ़ना है। अच्छा, मौसम है प्याज के निकलने का, जहाँ नहीं निकल रहा वहाँ भी मार्च आखिर तक निकल आएगा। ठीक है, तो मंडियों में बहुत भारी आमदन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ MP से थोड़ा है कि प्याज कम है, तो मैं ये मानता हूँ जो बाजार चल रहे हैं रुपये 2 रुपये कमती बढ़ती चलेंगे, इतना 2-3 लाख मीट्रिक टन तक, 18 लाख, 20 लाख, 12 लाख से 20 लाख मीट्रिक टन तक साल भर में, आंकड़े से तो बहुत कम। और जो जनवरी से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें वैसे नहीं, तो उतना प्याज तो बढ़ गया ना देश में 3 लाख मीट्रिक टन, तो इसलिए मेरा अपना ये विचार है कि ज़बरदस्ती बढ़ाया जाएगा जिस दिन को, वरना बाज़ार नहीं बढ़ना। अच्छा, प्याज के बाज़ार के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूज़ है प्याज का वो भी बढ़ा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पीछे मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें शुगर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी प्याज का कहीं से कराया, और इसके साथ में हेल्थ के साथ साथ में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अनियन पाउडर और अनियन फ्लैक्स, इसकी जो डिमांड बढ़ने लगी है, उसका भी क्या आप आने वाले समय के अंदर में कुछ इजाफा देखते हो? और अगर मैं साल दर साल के कंपैरिजन को कंपेयर करूँ, क्योंकि आप तो मतलब इसको बहुत अर्ली स्टेज से जान रहे हो, तकरीबन मुझे लगता है कि 40-45 साल हो गए, या 50 साल हो गए, लगभग हाफ सेंचुरी आपने मारी दी है, और इस हाफ सेंचुरी के अंदर में आपको क्या लगता है कि जो प्याज के जो प्राइसेस के बीच के अंदर में अगर हम कंपैरिजन करें, तो अब ये एक बॉटम प्राइस आ गया है प्याज का कि भाई 10-15 रुपये जैसे खेत के अंदर में, इससे नीचे प्राइस शायद भविष्य के अंदर भी नहीं मिले? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं 73 में ज्वाइन किया था जी, और मैं उसको कहा करता था कि प्याज बहुत सेल है, क्यों होगा, मेरा अपना विजन था। नंबर एक, तो मैं ये देख रहा था कि यूथ जो है वो प्याज खा रहा है। कौन सा यूथ? इसका परिवार नहीं खाता था, ब्राह्मण, बढ़िया और धार्मिक। तो प्याज पहले आपको मैं बताऊँ, जितना बिकता था उससे कई गुना ज़्यादा बिक रहा है, कई गुना। मुझे याद है कई बार तो जब नवरात्रे वगैरह लगते थे हम 5-5, 10-10 कट्टे बेच के चले जाते थे,
और आज 40 गाड़ी बिकती है इस मंडी में अकेली। अच्छा, 40 गाड़ी आप समझो कि नवरात्रों में बिकती, नवरात्रों वैसे साफ गाड़ी बिकती है। तो प्याज की खपत ये भी बढ़ रही है, जो लोग पहले कल तक इसको धार्मिक कारणों से नहीं खाते थे वो सब खा रहे, नए बच्चे सब खा रहे। और मैंने तो देखा कि पहले गुरुद्वारों में इस्तेमाल नहीं होता था, सब प्याज इस्तेमाल होगा, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा जैसे जैसे हालात बदलेंगे। तो प्याज एक ऐसी चीज थी जो धार्मिक रीजन से इस देश का सबसे बड़ा वर्ग नहीं खाता, उसमें बहुत इजाफा हुआ है। अब तो मेडिकल साइंस के कारण भी बहुत, तो प्याज की खपत बहुत बढ़ी। जो प्याज का भाव आप आज बता रहे हैं ये भाव नहीं रहने वाला, तो दो कारण। पहला कारण ये है कि इसके खाने वाले रोज बढ़ रहे हैं, इस परसेंटेज में बढ़ रहे हैं, और हमारे देश का प्याज ही एक ऐसा प्याज है, हमारा भी देश है जो हमारे 2-3 फसल जो कि काट कर सलाद में खाया जा सकता है। बाकी देशों में जो प्याज पैदा होता है वो सलाद में नहीं खाया जा सकता, उसमें बहुत बड़ी झाल होती है, बहुत बेस्वादा होती है। तो इस कारण जो इस प्याज को खाते हैं उनकी डिमांड विदेशों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तो बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वरना अगर सरकार प्याज को एक्सपोर्ट करना चाहे, मेरा तो ये कहना है कि अगर देश से प्याज सारा भी एक्सपोर्ट हो जाए और करेंसी मिलती है तो क्या दिक्कत है, देश को खाता है ना। प्याज भोजन नहीं है, मैं एक मिथ दूर करता हूँ। मैं जब चेयरमैन था उस टाइम प्याज तेज हुआ था, तो शीला दीक्षित जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो जब वहाँ अचानक मेरे काम से पहुँच गया तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अरेस्ट कर, मैंने उस वक्त एक बात कही थी बात कि प्याज भोजन नहीं है, स्वाद है। पता नहीं किन हालात में शुरुआत में सरसी में प्याज को पॉलिटिकल खेल में ले आए। मैं कह रहा हूँ कि आज भी देश में, अब संख्या उनकी भी कम होती है, आज भी देश में धार्मिक स्थानों पर प्याज इस्तेमाल नहीं होता, लहसुन नहीं होता, जीरे छीरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, घरों में ही बहुत करते हैं। जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं ये मत करिए, खादा बनाने को इन चीज़ों से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्याज टेस्ट है, ये पता नहीं क्यों हमारे पॉलिटिकल बॉसेस को समझ नहीं आ रहा। एक दिन इसमें मिक्स टूटेगा, अगर हम अनाज है, चावल है, दालें हैं, मैं चीनी के भी अपने नहीं, जिस चीनी को साइंटिस्ट कहता है कि वाइट पॉइजन है, उसको अगर हम सब्सिडी में दे रहे हैं, मैं उसके भी साथ हूँ। मेरा कहना है कि जो खाने की चीजें जरूर देनी चाहिए, कितनी भी दो कोई दिक्कत नहीं, पर जिन चीजों से नुकसान होता है वो नहीं देना। और प्याज के ऊपर जितना ये चल रहा है, टाइम आएगा देखना कि कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो कहेगा मैं प्याज पे सब्सिडी नहीं दूंगा, तो प्याज के रेट पे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्याज भोजन नहीं है, टेस्ट है, बिल्कुल ठीक बात, स्वाद बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक बात, भोजन नहीं है। तो लेकिन इसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, खाने वाले बढ़ जाएंगे, जो प्राइस प्याज का चल रहा है ये प्याज और भी ज़्यादा बढ़ेगा, प्याज के किसानों को और ज़्यादा मुनाफा होगा, हर साल इसकी खपत बढ़ेगी। हालांकि आपने जिस मुद्दे को छेड़ा कि भाई ये पॉलिटिकल इशू क्यों बना, क्योंकि दो बार सरकारें गिरा दी इसके आगे, ठीक है, तो उसके पीछे जो तथ्य माने जाते हैं कि फूड जो क्राइसिस था उस समय प्रदेश में, वो एक बड़ा एक रीज़न था, क्योंकि लोग अगर सब्जी नहीं है उसके पास खाने के लिए, दाल नहीं है उसके पास खाने के लिए, तो प्याज को छोड़ करके और चपाती के साथ खा लिया था। तो शायद ये एक तो मुख्य कारण रहा कि वो प्याज जो है वो एक राजनीतिक कल्चर के बीच में डेवलप हो गया, लेकिन प्याज के साथ टमाटर और आलू भी तो पॉलिटिकल है। नहीं, 1952 की पैदाइश है, हिमाचल से हूँ, गरीब आदमी, हमने कभी प्याज से रोका, ये बातें पॉलिटिकल कोई आदमी प्याज से रोटी नहीं खाता, पहले भी नहीं खाता था, चटनी से रोटी खाते थे, सुने हमने भी खाई है, बस किसी का ये कहना कि प्याज से रोटी खाता, हो सकता है
1% आधा परसेंट कुछ कुछ ना कुछ चीज से खाते थे, लेकिन जब पॉलिटिक्स चलती है किस चीज में तो उसमें कितनी भी बात कुछ भी कही जा सकती है। और आज तो उस देश का हाल ही नहीं है, आज तो देश बहुत आगे आ चुका है। तो उन बातों को जो चर्चा करता है ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल में आज एक ऐसी चीज है इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट होना चाहिए। हालांकि हमें तो नुकसान है, मंडियों में कम आएगा, हमारी कमीशन कम करेगी, लेकिन देश के बारे में सोचे तो ये एक ऐसी चीज है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो किसान भी ज़्यादा उगाएगा और चीज़ें कम उगा लेगा और देश को फायदा। अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर में नासिक का प्याज क्या रेट और राजस्थान का प्याज क्या रेट? राजस्थान का प्याज दो तरह का है, एक प्याज जरा सीधा रखा होता है सीकर की साइड, वो बिक रहा है 10-11 हल्का 9। और नासिक का प्याज जो है वो आज बिक रहा है यहाँ 19 रुपये से लेके 23 रुपये। पुणे का जो प्याज आ रही वो बिक रहा है यहाँ पर 23 रुपये से लेके और 28 रुपये। अच्छा, पुणे का प्याज नासिक से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है? साइज मोटा होता है, चमक बढ़िया होती है, जो पूना सबसे तेज बिकता है। अच्छा, पुणे का प्याज अच्छा सबसे तेज। और इस समय पर केवल दो ही मंडियाँ यहाँ पर प्याज आ रहा है, एक महाराष्ट्र का और चारों मंडियों से आ रहा है, चारों स्टेट से। अच्छा, अभी MP की आप बता रहे हो कि स्टॉक जो है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी आने लगी 10 दिन में खूब आएगा, सबसे ज़्यादा यही आता है। तो अभी सिनेरियो क्या कहता है, प्राइस अप या प्राइसेस में थोड़ा सा लॉप अप आप देखते हैं? मैं तो देखता रुपये दो रुपये बढ़ना और कम होना ये मामूली बात है, ये भी 2-3 रुपये तब बढ़ेंगे जब स्टॉक के लिए प्याज इस महीने के आखिर में खरीदा जाएगा। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज कितनी अराइवल आप मंडी में देखते हैं? क्योंकि मंडी में आज 45 ट्रक आए हैं और 45 ट्रक बैलेंस, तो 90 ट्रक आज बिक्री पे है और रोज बिक यही है 40 से 50 ही बिक रहे हैं। और कैरी फॉरवर्ड जो नेक्स्ट डे के लिए हो जाता है वो 40 ट्रक जो है वो 40 जब तक बैलेंस रहेगा इतना तो बाजार कैसे बढ़ जाएगा? बाजार बढ़ने का पहला जो इंडिकेशन है वो ये है कि बैलेंस खत्म हो, बिल्कुल, या बैलेंस 5-4 गाड़ी जाएगी, वो सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन यानी कि प्याज के प्राइसेस के बीच में भी आप फिलहाल स्थिरता देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अप डाउन इसमें नहीं है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 रुपये कि यहाँ पर हो सकता है कि उठा पटक देखने को मिले, बहुत ज़्यादा तेजी इस समय पर प्याज की कीमतों के अंदर में दिखाई नहीं दे रही। पुणे का प्याज इस समय पर 23 रुपये से 28 रुपये और अगर हम नासिक के प्याज की बात करें तो नासिक का प्याज 18 रुपये से 23 रुपये और राजस्थान का प्याज थोड़ा सा हल्का है तो 9 रुपये से 12 रुपये प्राइस इस समय पर यहाँ पर आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहा है। 45 गाड़ी आज अराइवल है 1 मार्च को और 45 गाड़ी के आसपास ही कल का कैरी फॉरवर्ड रहा है 29 फरवरी।